नरसिंहपुर जिले के ग्राम नरसरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में महाराज जी ने आज श्री राम कथा के प्रवचन दिए। आपने कहा कि एक समय सीता जी ने सफाई करते समय धनुष को उठा दिया था। यह देखकर राजा जनक जी सोचे कि ऋषि की हड्डियों से बने शिव धनुष को एक हाथ से उठाने वाली सीता जी का जिस व्यक्ति से विवाह होगा वह भी तो इतना बलशाली हो जो धनुष को उठा सके, इसलिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया। महाराज जी ने कहा कि यज्ञ में कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता, यज्ञ में तो बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, सिर्फ विप्रों को ही निमंत्रण दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्षत्रिय को सबकी रक्षा करनी चाहिए, शूद्र को सेवा करनी चाहिए। संगीतमय भागवत कथा आज अंतिम दिन था, कल कथा विसर्जन और भंडारा कन्या भोज किया जाएगा। पनारी से मनोज पटेल की रिपोर्ट। बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तू क्या जाने अभी आज का इंतजार। अरे मूर्खो, मैं तो तब भी जानती थी जब तुम बोल नहीं पाते थे कि मेरे बेटे को बाथरूम लगी है, मेरे बेटे को भूख लगी है। और आज तू उसी माँ से कहता है कि माँ तू कुछ जानती है। अरे माँ इतने बेटों को इतनी नजरों में पहचान लेती है, माँ का दर्जा बहुत बड़ा है इस राष्ट्र में। और आज कृष्ण भगवान अपनी माँ के दर्शन करते।